हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल होमियो क्लिनिक एट होम गर्मी का दिन है और इन दिनों अधिक ज़्यादातर लोगों को हिचकियाँ आती हैं और इसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में हिकअप कहते हैं तो आज हम लोग जिस डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे उस डिजीज़ का नाम है हिकअप यानी हिचकी लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आइकन दबा लें डायफ्राम यानी लंग्स और स्टामक के बीच वाले क्षेत्र को हम डायफ्राम कहते हैं डायफ्राम पेशी के स्पाजमोटिक कॉन्ट्रैक्शन यानी अपेक्षिक संकुचन के कारण हिचकी आती है इस संकुचन के कारण अचानक वायु खींच लेता है इस कारण हिक, हिक कर अचानक कड़ी आवाज़ आती है उसे ही हिचकी या हिकअप कहते हैं यह मस्तिष्क के कृषि बीमारी के कारण या बहुत दिनों तक एनेमिया रहने के कारण किसी दुर्बल रोग के कारण अधिक रक्तस्राव के कारण या जलीय रक्तस्राव के कारण या अधिक भय क्रोध आदि के कारण भी हिचकी पैदा होता है इसके अलावा प्लीवरा पेरिकार्डियम पाकस्थलिक या लीवर या आंतों के किसी बीमारी के कारण हिचकी पैदा होता है यह ट्यूबरकुलोसिस डायबिटीज कॉलरा और अन्य तरह की बीमारियों के कारण भी पैदा होता है हिचकी रोग का भोगकाल प्राय ग्यारह से बारह दिनों तक का होता है अब हम लोग जानेंगे इसके होम्योपैथिक मेडिसिन अगर स्पाज में यानी ऐठन के साथ हिचकी हो तो मेट और 200 और और कुपरमार्स थर्टी का प्रयोग करना चाहिए इससे तुरंत लाभ मिलता है और यह हिचकी की महा औषधि है जटिल प्रकार की हिचकी हिलने डुलने हंसने से भी हिचकी आने लगे तो ऐसी स्थिति में आप काजू पुटम टू हंड्रेड पोटेंसी में सुबह खाली पेट में दो बूंद लें जोर की आवाज़ के साथ सीने में आकड़न अगर हो तो ऐसी स्थिति में साइक्यूटा थर्टी तो दो दो बूंद दिन भर में तीन चार बार लें इससे हिचकी में तुरंत आराम मिल जाएगा कॉक्सीनेला हिचकी के साथ पाक स्थली में जलन होता है और किडनी के पास ऐठन की तरह दर्द होता है तो इस दवा का प्रयोग थर्टी पोटेंसी में दिन भर में दो दो बूंद ती, तीन चार बार प्रयोग करें पुराने ढंग की हिचकी शाम में ज़्यादा बढ़ता हो तो जेलसेमियम टू हंड्रेड में सुबह खाली पेट में दो बूंद लें इससे लाभ होगा ज़्यादा खाना खाने के बाद हिचकी और पेट फूला फूला एसिड बने तो ऐसी स्थिति के में आप नक्स होम दो सौ में सुबह नाश्ता के बाद दो बूंद लें और अब सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा है हिचकी की जिनसेंग क्यू यानी मदर टिंचर दस दस बूंद दिन हर दो दो घंटा या एक एक घंटा के अंतर से रोगी को दें इससे हिचकी छमंतर हो जाएगा एमिल नाइट्रेट ये दवा हिचकी वाले मरीज को सूंघाने से तुरंत हिचकी गायब चुटकियों में हो जाता है तो कुछ इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ मैंने आपको हिचकी यानी हिकअप के बारे में बताया और इसके बाद मैं एक और दवा दवा तो नहीं एक और एक और बहुत अच्छी चीज़ है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है दाभ यानी नारियल कच्चा नारियल के पानी को हल्का सुसुम करके हर पाँच पाँच मिनट पर दें इससे अत्यंत लाभ होगा तो आप आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आइकन दबा लें और साथ ही लाइक और शेयर